कांग्रेस सरकार बोफोर्स को जितना छुपाने की कोशिश करेगी, बोफोर्स हमेशा उसका साया प्रकट होता रहेगा, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का एक बहुत ही जघन्य मामला था। और आज स्वीडन के उस समय के पुलिस पदाधिकारी ने जो सारा मामला उजागर किया, उसने स्वीकार किया है कि राजीव गांधी की सरकार ने ओतैवियो कोतरोकी को बचाने की पूरी कोशिश की, जो इस पूरे मामले में रिसिपिएंट था। आज हम पूछना चाहेंगे, कांग्रेस जवाब दे, ओतैवियो कोतरोकी के उस समय गांधी परिवार से क्या संबंध थे? पूरी सरकार उसको बचाने के लिए क्यों लगी हुई थी? स्वीडन के उस समय के पुलिस पदाधिकारी का हिंदुस्तान की राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उसने ईमानदारी से इन तथ्यों को बताया है, तो हम चाहेंगे केंद्र सरकार जवाब दे। क्या कॉमनवेल्थ, क्या 2G घोटाला, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स घोटाला, और आज हेलीकॉप्टर डील में भी घोटाले की बात सुनाई है इटली में। हर जगह ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, और देश के सामने और संसद के अंदर और संसद के बाहर इस सरकार को हम एक्सपोज करेंगे।